में 26/11 मुंबई हमले का आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा भारत लाया जा सकता है। अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी अपील को खारिज कर दिया है, जिसके बाद उसको भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। आतंकी तहव्वुर राणा पर मुंबई हमले की फंडिंग का आरोप है। हमले के दौरान आतंकी तहव्वुर राणा पाकिस्तान में बैठकर आतंकियों को कंट्रोल कर रहा था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा, अब उसे जल्द ही भारत लाया जा सकता है। मुंबई हमले की फंडिंग का आरोप उसके ऊपर लगा है। पाकिस्तान में बैठकर वो ये सब कंट्रोल कर रहा था और यूएस की कोर्ट से बड़ा झटका यहां पर तहव्वुर राणा को लगा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 26/11 मुंबई हमले का आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा, जल्द भारत लाया जा सकता है। अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी अपील को खारिज कर दिया है, जिसके बाद उसको बड़ा झटका लगा है। अब उसको भारत लाने का रास्ता साफ हो चुका है। देखिए, आतंकी तहव्वुर राणा पर मुंबई हमले की फंडिंग का आरोप लगा है। याद कीजिए 26/11, जिसकी वजह से सिर्फ मुंबई नहीं पूरा देश दहल गया था, कई लोगों की मौत हुई थी और उसमें आतंकी हमले में फंडिंग का आरोप इस तहव्वुर राणा पर लगा है। हमले के दौरान आतंकी तहव्वुर राणा पाकिस्तान में बैठकर आतंकियों को कंट्रोल कर रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, कब तक तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकता है? अनुपम, देखिए इस पूरे मामले में अभी भी जो आरोपी है 26/11 हमले का तहव्वुर राणा, उसके बाद अभी भी लीगल ऑप्शन अभी थोड़े बचे हुए हैं, लेकिन ये भारतीय जांच एजेंसी और मुंबई के लिए एक बड़ी बात है कि यूएस कोर्ट ने तहव्वुर राणा का जो हैबियस कॉर्पस डाला था कि उसे एक्सट्रेडिट नहीं किया जा सकता है, उसको रिजेक्ट कर दिया है और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि एक्सट्रेडिशन का रास्ता पूरा खुला हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत और यूएस में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो उसके तहत अब भारत एजेंसी पूरी कोशिश करेगी तहव्वुर राणा को जल्द से जल्द उसे लाने की। आपको बताना चाहेंगे कि 26/11 हमले में जो मेन आरोपी है डेविड कोलमैन हेडली, उसका साथी है ये तहव्वुर राणा। और 26/11 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तो पाकिस्तान में बैठ कर ये सारे कमांड दे रहा था, उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया था। तो भारतीय एजेंसी की पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इसको जल्द भारत लाया जा सकता है। हालांकि अभी भी कुछ लीगल ऑप्शन तहव्वुर राणा के पास बचे हुए, लेकिन भारत भी पुरजोर कोशिश करेगा कि जल्द लाया जा सके। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक।